इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर गुरुवार दोपहर को हिंदू जागरण मंच के मालवा प्रांत विभाग ने वक्फ संपत्ति दरगाह की भूमि की सुरक्षा और वक्फ संपत्ति दरगाह पंजीकृत मस्जिदों मदरसों के प्रबंधन के लिए शासन द्वारा प्रबंधक नियुक्त किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मालवा प्रांत के धीरज यादव ने बताया कि हिंदू जागरण मंच ने इंदौर जिलाधीश से मांग की है कि मंदिरों की तरह वक्फ संपत्ति दरगाह और मस्जिदों पर भी शासन प्रबंधक नियुक्त करे ताकि वक्फ संपत्तियों की निगरानी सुरक्षा की दृष्टि हो सके। हिंदू जागरण मंच के नेता ने कबूतरखाना कस्बा इंदौर की वक्फ संपत्ति का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। जिले की वक्फ संपत्तियों पर अवैध कॉलोनियां भवनों का निर्माण होना पाया गया है तथा वक्फ संपत्तियों की अफरा तफरी होनी पाई गई है। भविष्य में ऐसा न हो सुनिश्चित किया जाए। जिस प्रकार हिंदू समाज के प्रमुख मंदिरों की आय पर जिलाधीश महोदय का नियंत्रण और प्रबंधन होता है, उसी प्रकार वक्फ संपत्ति और दरगाह का नियंत्रण और प्रबंधन जिलाधीश के पास हो और उनसे प्राप्त आय भी शहर के विकास में खर्च हो। हिंदू जागरण मंच के नेताओं के मुताबिक यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी समय में चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चे के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अधिकारी महोदय को वक्फ संपत्ति का नियंत्रक और प्रबंधक नियुक्त होना चाहिए। रकबा नंबर 658/1, 658/2, 658/3 रकबा 0.214 हेक्टेयर टकिया कबूतरखाना कस्बा इंदौर की वक्फ संपत्ति पर मस्जिद टकिया दर्ज है। मौके पर अतिरिक्त भूमि का अतिक्रमण करके मस्जिद कब्रस्तान निर्माण किया जा रहा है। कृपया रस्ते का सीमांकन करके अतिक्रमण माने की कृपा करें। यह अनुभव हुआ है कि सर बताएं आज के ज्ञापन के बारे में किस तरह का क्या ज्ञापन है। भाई हिंदू जागरण मंच ने जो वक्फ संपत्तियों के नाम पे ज़मीनों पे कब्जा करके अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो PFI है वो सक्रिय हो रही है और हिंदू समाज के मंदिरों पे नियंत्रक बिठा दिए, प्रबंधक बिठा दिए, लेकिन कई सी मस्जिद या दरगाह पे आज तक कोई प्रबंधक क्यों नहीं बिठाया गया। इस विषय पर हम ज्ञापन देने आए थे, ज्ञापन दिया, सक्षम अधिकारी से आश्वासन मिला है कि हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। किस तरह से क्या लगता है आपको सर, यदि मांगे नहीं मानी गई है तो आगे आप क्या करेंगे? अगर मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और प्रशासन में धीरज यादव, हिंदू जागरण मंच इंदौर विभाग संयोजक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।